माँ छूट गई यार। और जब धक्के खा खा कर थक गया तो मैंने सोचा ऊपर ही चलते हैं, उसी से पूछते हैं, भाई बताओ प्रॉब्लम क्या है, क्यों ले जाया। ये आप फिल्मी दुनिया में कोई दोस्त नहीं है, और अगर कोई दोस्त मिल जाए उसे छोड़ना मत, पकड़ के रख, और दिल तो बिल्कुल मत लगा, वरना मेरी तरह सारी उम्र उधार की चाय पीते रहो। ये क्या है? फिल्म की हीरोइन। ये तो पैरों की तस्वीर है। ये उसके पैरों की तस्वीर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलूं सलामती भेजू तुम पे? मैं कौन सी सलामती भेजू? पूरे मोहल्ले में सुनहरी सुनहरी लगाई गई तुम्हारे गुंडों ने। जी वो मेरे गुंडे नहीं, मेरे असिस्टेंट्स। और मैं क्या करूं? हाँ देख, तू जो भी है ना मेरे सामने ज्यादा मत। क्यों करूं काम मैं तुम्हारी फिल्म में? बहुत वेली नजर आती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी में और कोई काम नहीं है। क्या हूँ मैं? बोल, इतने दिनों से तूने जो रट लगाई हुई है तू बोल, आज बोल ना, क्या हूँ मैं क्या हूँ? तू बोल दे आज मैं क्या हूँ, बोल। प्यारी क्या बोलो? इस दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, और तुम भी इसी दुनिया से हो। सुने सुनहरी, मैं वाकई यहाँ काम के मकसद से आया हूँ, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि आपको मेरी वजह से किसी को जवाब देना हो। जवाब नहीं देती, सीधा मुंह तोड़ देती हूँ। सुनहरी, आपने तो चाय पानी पूछना नहीं था, मैं खुद ही ले रही थी। रिहर्सल रिकॉर्ड करते हैं। माइक लगाओ सुनहरी जी को। ईशा, आई वॉन्ट अ बलून देयर, ठीक है? क्या करके रहे तू? क्या वो हाथ क्यों लगाए? क्या हुआ? हाथ क्यों लगाया तूने मुझे? वो सुनहरी माइक लगा रहा। कौन सा माइक? कौन सा माइक? ये कौन सा माइक होता है? उसे तो पता। ओ, जिन जूतों की तस्वीर देख के तुमने मुझे ढूंढा है ना, उनकी नोक बड़ी तेज है, सुना तुमने? उसी जूती से इतनी जोर से मारोगे ना जिंदगी भर के लिए तुम्हारा भेजा। हट, मैंने जब से होश संभाला है ना, मैं लड़ रही हूँ जिंदगी से, कोई भला नहीं लगता मुझे। जिसने भी देखा गंदी नजर से देखा है, कैसे होता है जब माँ बाप ना हो? आपको लगता है आसान है एक लड़की के लिए यार रहना अकेले? नहीं, बस इसीलिए जो भी नजर उठा के देखता है, कोई हमदर्दी का भी हाथ बढ़ाता है ना, मैं झटक देती हूँ। ये तुम बाहर की फिक्र करते करते कहीं अंदर को तो नहीं भूल गए? शायद ऐसा ही है, लेकिन कुछ है जो मुझे अंदर से आवाज देता है। जानते हो मैंने ये क्यों पूछा? तुम्हारी बेचैनी देख के मुझे लगता था कि जो एक्टर लोग होते हैं ये बहुत वो होते हैं, शोर शराबे वाले ना, और बदतमीज से। ये ऐसा नहीं है। रोहेल की बहन का एक्सीडेंट हो गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, पता नहीं शूट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मुझे तो लगता है मैं सबका मुजरिम बन गया, कैसे सामना करूंगा सबका? कैसी बातें कर रहे हो यार, फिल्म बंद थोड़ी हो रही है, ऐसी तरह आगे हो रही है। मेरी बात मानो, अच्छे खानदान के हो, गुड लुकिंग हो, फिट हो, एक्टिंग करो, ये क्या कर रहे हो? हर इंसान के अपने ख्वाब और आर्ट। सर, एक बुरी कहानी को कहीं भी ले जाकर शूट किया जाए वो बुरी ही रहेगी। कहानी कौन देखता है यार, सब अपने फेवरेट स्टार्स देखना चाहते हैं, और वो भी अपने फेवरेट नंबर वन टीवी चैनल पर। दैट्स इट। देखिए वंडरलैंड जुमा रात 9 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।